नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो में। और आज भाई हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर देखो, मैं छुपकर बैठा हूँ। लास्ट टाइम जो मिलिट्री पर हमने हमला किया था सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, भाई सिक्योरिटी तो घर पर हो गया था, बट प्रॉब्लम जो हो गया भाई, पूरी शहर में अभी मिलिट्री हम लोगों को ढूंढ रहा है भाई। और मैंने एक मिलिट्री को भी कॉल किया था जो कि मेरा दोस्त जैसा है बोल सकते हो, उसको मीट करना होगा तभी ये प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो सकता है। अभी उससे बात होगा तभी सब कुछ मैं समझ पाऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं। बट अभी तो भाई यहाँ से मुझे पहुँचूंगा कहाँ कहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे बोला गया है पता है? मुझे यहाँ पर पहुँचने के लिए बोला गया है, यहाँ पर। तो ये सिक्योरिटी का जो लोग है, ये लास्ट में मेरे ऊपर ही पूरा दोष दे दिया कि मैंने उस मिलिट्री बेस के जाकर हमला किया था और चुराया था, और मैंने ही वो प्लेन जो मैंने लास्ट वीडियो में चुराया था वो मेरे पास ही रह गया। तो इसीलिए मैं अभी सफ़र करने वाला हूँ। मुझे तो लगता है लड़ना ही पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। बट मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ मिलिट्री में से, क्योंकि इन लोगों का भी दोष नहीं है भाई। इन लोगों को पकड़ने के लिए मुझे बोला गया है, तो ये लोग पकड़ने के लिए आ रहा है। मुझे कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना है। अब देखो, ट्राई तो करना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता मैं। तो भाई चलो चलते हैं, देखते हैं भाई। देखो भाई, आ गया, मैं यहाँ पर आया, मुझे बाहर निकलना ही नहीं था। मैं मारना नहीं चाहता, बट ये लोग अगर शूट करेंगे मैं भी शूट करने वाला हूँ। ओ ओ, शूट करने की कोशिश कर रहा है ये लोग, जल्दी। चलो भाई हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, कुछ और नहीं कर सकता। तो भाई मैं यहाँ से अभी चला रहा हूँ, पीछे देख सकते हो पूरा भाई आर्मी जैसा लग चुका है ये पुलिस भाई। मुझे लगता है रास्ते पर और भी पुलिस, ज़्यादा पुलिस होगा। मैं इन लोगों को मारूंगा नहीं, कोशिश करूंगा जितना ना मारूं, क्योंकि मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ जो मिलिट्री गाइस से, उसने बताया कि भाई मत मारने की कोशिश करना, नहीं तो भाई बाद में मेरे ऊपर दोष आ सकता है। और कैसे इस पूरा चीज़ को संभाला जाएगा वो हम लोगों को बताएगा। अभी उससे मिलकर ही सब कुछ हो सकता है, नहीं तो मैं फंस जाऊंगा भाई। पूरी तरह रोड ब्लॉकेज कर चुका है यहाँ पर लोग। ओ भाई देखो, मैं मारना नहीं चाहता था भाई इसको, बट कुछ कर नहीं सकता मैं। पूरा सामने देख। ओ भाई, अरे मेरा गाड़ी। चलो भाई, मैं निकलो निकलो यहाँ से। मैं इन लोगों को मारूंगा नहीं भाई, मारने से और भी प्रॉब्लम हाथ से बाहर जा सकता है। पूरा पीछे देखो, कितना सारा हेली है यहाँ पर आ रहा है। ओ भाई, मैं अभी पानी पर चला जाता भाई, पूरा खराब हो जाता चीज़। अरे हट जाना यहाँ पर। ओ भाई, मैं इसको मार नहीं सकता भाई, मुझे गोली मत मार। निकलो निकलो निकलो। अरे भाई यहाँ से निकलना बहुत, कितना सारा आ गया है भाई, इतना सारा एक आदमी के लिए। ये देखो आर्मी का आदमी भी आ गया। ये आर्मी का ये या फिर शरीफ है, कौन कहाँ से आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई। मैं यहाँ से जा रहा हूँ पेट्रोल पंप से। तो फाइनली भाई हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर मैं कार को छोड़ के चला जाऊँगा, देखते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं कार को छोड़ कर चला जाता हूँ भाई। मैं कुछ कर नहीं सकता, इन लोगों को मारना ही पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकता। यहाँ से भागना पड़ेगा मुझे, रुको यहाँ से भागता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर नहीं आ पाएगा पुलिस मुझे लगता है। तो भाई फाइनली मैं यहाँ पर बच चुका हूँ, मुझे पुलिस यहाँ पर नहीं देख पाया। देख सकते हो पूरा हाइड होकर मैं कैमफ्लैश हो गया पूरा यहाँ पर भाई, बच गया। अभी हम लोगों को ऊपर में जाना है भाई, पूरा ऊपर जाना है उस हिल के टॉप पे। देख रहे हो एक घर है वहाँ पर, दिखा देता हूँ तुम लोगों को। ये जो घर घर या फिर जो भी है, ये घर तो नहीं है ये, बट मैंने घर बताया। तो वहाँ पर हम लोगों को पहुँचना है। अब क्यों पहुँचना है? क्योंकि वहाँ पर ही वो मिलिट्री हम लोगों के लिए इंतज़ार कर रहा है कि भाई जो हम लोगों को सब कुछ बताएगा कि कैसे क्या करना है। जितना जल्दी पहुँचूँगा उतना अच्छा है। चलो भाई चलते हैं। चलो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर में, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। चलो भाई अभी नीचे उसको ढूंढते हैं भाई, वो कहाँ पर है ये बंदा मुझे पता नहीं, यहाँ पर ही कहीं पर होना चाहिए उसको, देखते हैं भाई। चलो ऊपर में। तो भाई यहाँ पर तो हम लोग आ गए, बट ये कहीं पर मिल नहीं रहा है। वो देखो वहाँ पर खड़ा है, चलो बात करते हैं इससे। चलो भाई इससे बात करते हैं अभी। आप आ गए? अरे आना तो होगा ही ना, मतलब क्या सिचुएशन चल रहा है मेरा समझ सकते हो आप ना, आना तो पड़ेगा मुझे।
नीचे भाई अगर मैं देखूं पूरा हालत टाइड है मेरा, ठीक है, तो आना तो पड़ेगा ही। अब मुझे बोलो कि क्या करना होगा, तब मैं बच कैसे सकता हूँ इस सिचुएशन से। ना ही मैंने मेरे लिए चुराया था, ना ही कुछ किया था, तो मैं क्यों सफर कर रहा हूँ, वो बात है ना यहाँ पर। आपको अभी एक ही तरीकों से हम लोग बचा सकते हैं, वो है कि आपको जो माफिया के लिए आप ये सब कर रहे थे, या फिर जो माफिया हम लोगों को सता रहा था, उस माफिया को आपको मारना होगा, तो ही कुछ हो सकता है। अगर वो मर गया तो उसके ऊपर हम लोग सब दोष दे देंगे कि इसलिए इसने किया था, ये हुआ था, तो हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं आएगा। ये एक ही रास्ता है कि आप कुछ कर सकते हो, उसको मारना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट मैं उसको मारूं कैसे? मतलब यहाँ पर देखो, मैं सिटी पर अभी जाऊंगा तो भाई कितने लोग मुझे मारने के लिए चला आएगा। मैं उसे मारूंगा कहाँ पर? वो अभी कहाँ पर है वो भी मुझे पता नहीं है, तो मैं मारूंगा कहाँ से? उसका टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। वो कहां पर होगा, किस टाइम पर होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। आपको सिर्फ उसे मारना है। उसका एक डील होने वाला है बहुत बड़ी और एक माफिया से, तो उसी डील के दौरान उसको आपको मारना है। बट अगर वो छूट गया तो आपका मरना पक्का है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, हम भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। आप क्या यहीं पर रहने वाले हो क्या? मैं कुछ देर यहीं पर रहूंगा, थोड़ा सा हवा ले लेता ऊपर का, बहुत क्वालिटी हवा मिलता है यहाँ पर। हाँ, मेरा तो हवा टाइट हो गया है, आप हवा लो। तो जो मुझे समझ में आया, ये जो बोला हम लोगों को कि भाई उस माफिया को हम लोगों को मारना होगा, डील का जो भी चीज़ है कि कहाँ पर डील होने वाला, ये सब कुछ हम लोगों को बता देगा। तो भाई आज के लिए माइकल यहीं पर सो जाएगा, इसके ऊपर ही, कुछ नहीं कर सकता, नीचे जा नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। देखते हैं सुबह होने दो, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकता हूँ। अभी कुछ देर में रात हो जाएगा। तो अभी भाई देखो टाइम जो हुआ है, 12:18:19 हो गया, तो अभी टाइम बहुत हो चुका है और हम लोगों के पास पूरा डेटा आ चुका है कि कहाँ पर डील होगा, किस टाइम पर होगा। ठीक है, डील कुछ देर बाद ही होने वाला है, डैम पर होने वाला है। बहुत सुनसान एरिया वो है लॉस सैंटोस में, बहुत ही सुनसान जगह है वो, तो वहाँ पर ही डील होगा, हम लोगों को पता लग चुका है। अब फाइनल जो फाइट है वहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अभी भाई उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो ये पैराशूट ही ले लिया, क्या ही कर सकते हैं। अभी देखो ये जगह ना थोड़ा सा सुनसान एरिया है, इंडस्ट्री उतना नहीं है, कुछ भी नहीं है, यह सिटी का एरिया नहीं है, तो यहाँ पर उतना पुलिस नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा, यहाँ से एक कार चुराना होगा ऑब्वियसली, यहाँ से मैं नहीं तो निकल नहीं सकता। ठीक है, ये कार ले लेते हैं, चलो। यहाँ पर ज़्यादा लोग भी नहीं रहता तो मुझे उतना परेशानी, ये भी काम नहीं करता यहाँ का, सब फैक्ट्रीज बंद पड़ी है भाई। चलो निकलते हैं अभी डैम की तरफ, कुछ देर में ही मीटिंग होने वाला है, मुझे पहुँचने में भी टाइम लगेगा वहाँ पर, तो मुझे लगता है हम पहुंचते पहुंचते वहाँ पर मीटिंग शुरू हो जाएगा। मैं चाहता हूँ मैं उस टाइम पर पहुंचूं कि मीटिंग शुरू नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है मीटिंग शुरू हो जाएगा। तो फाइनली भाई हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सामने सामने ही कोई भी जगह है, यहाँ पर ही होना चाहिए। वो देखो, दिख गया मुझे वो जो काला वैन खड़ा है ना उस तरफ। चलो यहाँ पर ही कार को छोड़ देते, ज़्यादा सामने कार ले जाना ठीक नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर दो है और उस तरफ भी बहुत होगा, सीधा मारते मारते जाऊंगा अंदर। चलो एक ए निकल चुका हूँ, 1 2 3 गो। चलो 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 भाई, इन लोगों को मार रहा हूँ हम। ओके और भी है, चलो भाई। ओ भाई इस तरफ भी है, यहाँ से मार नहीं पा रहा हूँ, मुझे इस कार को ही उड़ा देना होगा। ये कार गया अभी, सामने से कोई आ रहा है, रुको, सामने अभी भी कोई है। ये मरा नहीं था, मुझे लगा था ये मर गया था। भाई यहाँ पर चलो भाई, भाई ऊपर में भी इन लोगों का गार्ड था, बट ये माफिया कहाँ पर है भाई? इन लोग सबको मार, और भी अभी भी है, माफिया कहाँ पर है? ये यहाँ पर ही कहीं ना कहीं छुपा है, ये कहीं ना कहीं छुप कर बैठा है, ये डरपोक कहीं ना कहीं छुप के बैठा है। नीचे गिर गया क्या? कहीं ना कहीं ये छुप के बैठा है भाई,
कहाँ पर बैठा है ये पीछे से मुझे हमला ना कर दे। कहीं पर भी ये मिल नहीं रहा है। ये देखो ये नीचे खड़ा है, नीचे नीचे नीचे, हाथ ऊपर हाथ ऊपर। ये भाग कैसे रहा है, अभी भाग रहा है ये। रुक, कहाँ गया ये, फिर से कहाँ पर गया ये, इसको फिर से मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं है। तो भाई फाइनली इसको हम लोग पकड़ चुके हैं। ये भाई नीचे छुप कर बैठा था, फाइनली मुझे ये मिल गया और ये अभी अकेला है। एक माफिया जो भाई मेरी फैमिली को मारना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था। कुछ बोलेगा मारने से पहले? एक बार अपना बंदूक फेंक के दो दो हाथ कर ले, उसके बाद तो पता चलेगा ना इसमें कितना दम है। ये फिल्मी वाला डायलॉग मार रहा है भाई आजकल। तेरे जैसा ना बहुत माफिया को हमने हाथ से मारा है, चल दो दो हाथ ही कर लेते आज भाई, इससे कर लेते हैं दो दो हाथ, देखते हैं कौन जीतता है, मैं या ये, हाथ से ही लड़ेंगे भाई। चलो उठ जा, आजा, चल भाई आजा, कौन जीतेगा, आजा। ओ अरे मार ना, ओ ओ भाई हम हारेंगे नहीं, कौन जीतेगा, ये ले मार, ये ले। ओ तू तो मार ही नहीं पा रहा है रे, क्या खाता है, क्या बॉस बनेगा तू, क्या बॉस बनेगा। पीछे 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 देख, पीछे देख, अरे उठ ना, उठ के मार, क्या बता रहा था, दो दो हाथ, आजा 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 आजा। अरे हवा को क्या मार रहा है, हवा को क्या मार रहा है, आजा आजा, क्या हुआ, मार मार। अरे भाई तू तो मार ही नहीं पा रहा है, क्या मार रहा है, किसको मार रहा है। क्या हुआ, हो गया हो गया, मर गया। मर गया ये, अभी देख, अभी देख कैसा लगा अभी। हाँ कैसा लगा, तेरी वजह से मुझे टॉर्चर होना पड़ रहा था। हमारे साथ जो ऐसा करेगा उसका यही हाल होगा, ठीक है, जो भी ऐसा करेगा हमारे साथ उसका यही हाल होगा जो इसके साथ हुआ है। वो कोई भी माफिया हो, कुछ भी हो, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम, किसी को नहीं। तो भाई आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। लास्ट फाइट तुम लोग कैसा लगा, लास्टली हम लोगों ने फाइट किया इस माफिया से, और ये छोटा मोटा माफिया था, कोई बहुत बड़ा माफिया तो था नहीं, बट इस जगह पर मुझे आना पड़ा, बहुत भाई परेशानी हम लोगों को सहना पड़ा इसके लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग फ़ोन करके बता देते हैं उसको, उस मिलिट्री को, इस नंबर पे कि भाई काम हो चुका है। हेलो ऑफिसर, हमारा काम हो चुका है। बहुत बढ़िया काम किया तुमने, मैं तुम्हारा रिपोर्ट कर दूंगा कि माफिया ने सब कुछ किया है और तुमने नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उस माफिया को मारने के लिए। नहीं हमें भी वो बहुत तंग कर रहा था, खेल तो उसका ऐसे ही खत्म होना ही था। ठीक है मिलिट्री भैया, चलो मिलते हैं कभी और किसी टाइम पे किसी और जगह पर, ठीक है। तो भाई इनसे तो हमारा बात हो गया, लास्टली सब कुछ ख़त्म हो गया, उसको भी मार दिया। अभी प्रैक्टिकली हम लोग फ्री है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सिक्योरिटी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। जो भी वो ज्वेलरी शॉप से शुरू हुआ था, एट दी एंड ये सब ख़त्म हुआ, बट ऐसा नहीं कि सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो हम लोगों को अभी सोचना पड़ेगा कि भाई इनकम कैसे होगा, ज्वेलरी शॉप को एक बार लूट किया था बस, उससे तो सब कुछ नहीं चलेगा ना, कुछ छोटा मोटा भाई बिजनेस लगाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। देखते हैं आज के लिए भाई इतना ही, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोज़ अगर तुम्हें अच्छी लगती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर और एक नए वीडियो साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।